हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल SR Art में। दोस्तों आज मैंने एक कॉलर वाली कुर्ती बनाई है, मैं आगे स्पैच भी लगाया है और ये साइड में मैंने ये कॉलर स्टैंड पट्टी लगाया है मैंने, तो आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया एक सुंदर कुर्ती बनाई है। तो उसके कटिंग और ये सब कैसे करते हैं सिलाई, तो मैं आप इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं आप भी ऐसे बना सकते हैं, तो इसकी मैं कटिंग बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। और ये साइड में आप देख रहे हैं आधा इंच की मैंने प्लेट लगाई है तीन दोनों साइड में, तो बहुत सुंदर लुक आता है इसका। और आगे स्पैच भी लगाया है, मेरे पास पड़ा था एक। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये स्पैच लगा के कॉलर पट्टी लगा के मैंने ये कुर्ती बनाई है, और बैक साइड में भी मैंने ये स्पैच लगा के बनाया है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास ये स्पैच ऐसे पड़ा है घर में, तो वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। तो पहले मैं इसकी कटिंग लाइनिंग पे यानी अस्तर पे कटिंग करूंगा इसके ड्रेस की। तो ये मैं डबल फोल्ड करके रखा है और एक इंच ऊपर पहले बैक साइड में मैं एक्स्ट्रा रखूंगा और फ्रंट पार्ट एक इंच कम रखूंगा। तो यहाँ से आपको लेंथ लेनी है फ्रंट पार्ट की पहले, तो 42 और एक इंच आपको प्लस करना है, ऐसे दो मार्क लगा ले आप। और जो लंबाई का हमने मार्क लगाया उसको सीधा कर ले। दोस्तों बहुत आसान तरीका है ये। और जो उसमें प्लेट लगाती है आगे फ्रंट पार्ट में वो कैसे लगाए, तो उसका कपड़ा कैसे वो फ्रंट पार्ट में छोड़ना पड़ता है। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप रखना है, शोल्डर है 14 तो उसका हाफ रखेंगे 7 और आधा इंच सिलाई रखेंगे हम। और नीचे एक और मार्क लगा लें तो 7.5 पे यहाँ से सीधा मार्क कर लें आर्म शोल्डर का। अभी हम आर्म होल रखेंगे तो जो शोल्डर का माप है उसका आधा इंच कम करेंगे हम, तो 7 इंच रखेंगे। और यहाँ पे कमर ऊंचाई का माप रखेंगे 14 इंच। तीसरा माप आएगा यहाँ पे हिप का, तो हिप का नाप रहेगा 22 इंच के ऊपर। तो ये पहले आर्म होल कमर और हिप का तीन आपको पहले मार्क लगा लेना है। और ये फ्रंट पार्ट एक इंच हम बैक पार्ट से कम रखें, तो आपको पहले सभी निशान ऐसे लगा लेना है। अभी यहाँ गले का माप रखेंगे हम, तो 3 इंच गले का मार्क करना है और यहाँ पे करीब आधा इंच हम डाउन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम ये कटिंग करें वो फ्रंट पार्ट में, लेकिन यहाँ आर्म होल हम बैक पार्ट के दोनों साइड में एक साथ ही कटिंग करेंगे। जो अभी ड्रॉ करें हम वो फ्रंट पार्ट के, यहाँ पे चेस्ट का नाप रखेंगे 40 है, तो इसका चौथा हिस्सा आपको रखना है 10, तो 10 इंच आपका नाप रहेगा। आपका कोई भी नाप रहेगा छाती का, उसका चौथा हिस्सा ही रखना है। और यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है 1.5 से 2 इंच तक आप रख सकते हैं। यहाँ कमर का नाप रखेंगे, कमर है 36 तो इसका चौथा हिस्सा आएगा 9 और 1.5 इंच मार्जिन रखा है। तो दोस्तों आपका जो भी नाप रहता है उसी के हिसाब से आपको चौथे हिस्से में रखना है। यहाँ हिप का नाप है, इसका भी चौथा हिस्सा करके हमको मार्जिन छोड़ना है। और जो यहाँ पे जो माप आता है वही नीचे रखना है आपको। अभी हम सभी निशानों को मिला लेंगे। तो जो लंबाई का नाप से हिप तक
जो नाप है उसका मार्क करेंगे। अभी हम यहाँ क्रॉस फुट पट्टी लेके मार्क करेंगे। तो इसी तरह सभी निशानों को आपको मिला लेना है। अभी यहाँ आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पहले हम बैक पार्ट के दोनों पार्ट में कटिंग करेंगे आर्म होल का। यहाँ पे 3.25 इंच तक आपको मार्क करना है और यहाँ शोल्डर का नाप जो फ्रंट पार्ट से 1 इंच ऊपर रहेगा हमारा। और ये फ्रंट पार्ट में हम डीप में 4 इंच के मार्क करेंगे और गले का मार्क लगा के वहाँ पे राउंड शेप देना है आपको। वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डीप में गला कटिंग करना है और बैक साइड में हम करीब 1 इंच तक ही कटिंग करेंगे। तो दोस्तों पहले हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं गले की। अभी हम बैक साइड में करीब 1 इंच तक डीप रखेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। अभी तो इसी तरह दोनों पार्ट हम एक साथ कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमारा मार्जिन है वहाँ पे मार्क लगाएं। यहाँ कमर का नाप रहेगा इसलिए, और यहाँ हिप का कट लगाएं। अभी हम बैक पार्ट को उठा लेंगे और ये फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे। तो इसे 1.25 इंच तक हम अंदर लेके कटिंग करेंगे इसकी आर्म होल की, जो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है बाद में। तो इसी तरह ये कटिंग मैंने लाइनिंग पे कर ली है। अभी ये जो कुर्ती का कपड़ा लिया है मैंने उसके ऊपर लगा के मैं कटिंग करूँगा। तो जो बैक पार्ट की कटिंग है वो जो लाइनिंग रखी है उसी के हिसाब से हमको कटिंग कर लेना है, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच हम ज़्यादा रख के वो प्लेट लगानी है इसलिए। तो अभी ये बैक पार्ट जो लाइनिंग में कटिंग किया है वही आपको रख के कटिंग कर लेना है। दोस्तों हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वैसे हमारे चैनल पे बहुत सारे ड्रेस के कटिंग और गाउन के कटिंग का वीडियो रखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अभी ये मैंने फ्रंट पार्ट उसके ऊपर जमाया है। अब यहाँ पे हम 3 प्लेट लगाएंगे फ्रंट पार्ट में। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करके बताऊँगा, ऐसे 3 प्लेट आएगी उसके ऊपर। तो जो इसका कपड़ा रहता है 1.5 इंच हम 1.5 इंच लगाएंगे, तो ये साइड में हम ज़्यादा रखेंगे कपड़ा। तो ये पहली प्लेट लगेगी यहाँ पे और इसी तरह 1.5 इंच छोड़ के बाद में हम एक और प्लेट लगाएंगे। तो वो लाइनिंग में कपड़ा मैंने नहीं छोड़ा है, वो जो हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे उसमें 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये मार्क करके बताता हूँ। तो इसी तरह ये 3 प्लेट आएगी फ्रंट पार्ट में। तो ये 3 प्लेट हम लगाएंगे 1.5 इंच के। तो ये हमको साइड में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा पहले मार्क कर लेना है।
यही नाप यहाँ पे भी रखना है। तो फुटपट्टी से सीधा करके वहाँ से हमको कटिंग कर लेना है। अभी ये लाइनिंग वाला कपड़ा उससे हम हटा लेंगे। और वहाँ से पहले हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह ये कटिंग कर लिए, ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने। तो आप देख रहे हैं ये अभी ये 3 प्लेट लगी कि उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा 1.5 इंच कपड़ा लिया है। तो आपको पहले ये मैं सिलाई करके बताऊंगा वो कहाँ पे प्लेट लेनी है। तो जहाँ पहली प्लेट लगाएंगे उस ऊपर जो शोल्डर का नाप आता है उसका सेंटर लगा के हम वहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे पहली हमारी प्लेट लगेगी। तो दोस्तों इसी तरह ये मैंने मार्क किया है। तो नीचे एक मार्क किया और ऊपर भी, तो वहाँ से पहली प्लेट हमारी लगेगी। तो मैं वो बाद में आपको बताऊंगा, अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये 4 लेयर में मैंने कपड़े को बिछाया है डबल फोल्ड करके। अभी हम एक साइड में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अंदर से कटिंग करेंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसी तरह ये फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है। दोस्तों इसी तरह स्लीव की हमने कटिंग कर लिए। ये स्पैच मैंने लिया है वो, और बैक साइड में इसी तरह हम लगाएंगे। और ये फ्रंट पार्ट आप देख रहे हैं। तो ये मैंने साइड में, दोनों साइड में सिलाई लगाई है 1.5 इंच के 3-3 प्लेट लगाए दोनों साइड में। अभी इसको हम पल्टी मार के उसके ऊपर फ्रंट पार्ट लगा के कटिंग कर लेंगे। तो जो प्लेट लगाई है वो दोनों प्लेट एक साथ रखनी है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था अभी वो हमने प्लेट लगा लिए। तो अभी जो हमने कपड़ा रखा है फ्रंट पार्ट के लिए इतना ही आएगा। अभी उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे।
कान लगा लिया है मैंने। तो इसी तरह दोस्तों मैंने कटिंग की है और ये आपको बता रहा हूँ ऐसे सिलाई करके रेडी किया है। बहुत बढ़िया लुक आता है जो आप देख रहे हैं। इसी तरह दोस्तों ये साइड में प्लेट लगाइए तीन दोनों साइड में। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक और नए अगले वीडियो में।